दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिन की प्रॉफिट बुकिंग के बाद फाइनली फिर से खरीदारी लौट आई है। स्टॉक आज फिर से ऊपर जाने को तैयार है और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है और इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी गुड न्यूज। सुजलॉन एनर्जी ने एक नया इतिहास रच दिया है, यानी पूरे विश्व के अंदर 20 गीगावाट कैपेसिटी पाने वाली है। इंडिया की भी एनर्जी सेक्टर की पहली कंपनी बन चुकी है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, एक माइलस्टोन अचीवमेंट है सुजलॉन के लिए। यानी सुजलॉन ने जो कहा था वो करके दिखाया। आप समझ सकते हो कि तुलसी तांती जी का सपना अब जाके सच हुआ है और सुजलॉन का कारोबार जिस तरीके से बढ़ रहा है वो ये इशारा कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे अब रुकने वाला नहीं है। ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया, जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के आसपास थी तब से कह रहा हूँ कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। प्राइस भले ज़्यादा ना बढ़ी हो लेकिन जो बिजनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और किसी कंपनी का अगर बिजनेस बढ़ रहा है और जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें सरकार इस समय पूरा फोकस कर रही है क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया का मिशन है जो इंडिया को विश्व गुरु बनाएगा, तो इसमें एक बड़ा योगदान सुजलॉन का होगा। तो ऐसे में स्टॉक तो रुकेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए इस समय? क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर इस समय एंट्री का मौका है? आगे जो बड़ी बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है? और इसके अलावा एक बड़ी अपडेट अमेरिका से निकल कर आई है ग्रीन एनर्जी को सेक्टर को लेकर। इंडिया में आने वाले समय में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इंडिया की आगे की क्या संभावना बन सकती है, अमेरिका से जो रिपोर्ट है उसको भी समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन में ये खरीदारी का सही मौका है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम इस समय देखें तो लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी एनर्जी समय 23,894 के स्तर पर जहाँ पे 0.46% की तेजी है, 108 पॉइंट ऊपर है यानी लगभग आधा परसेंट की तेजी है। अब सुजलॉन एनर्जी में देखें तो जहाँ पे निफ्टी एनर्जी में कोई खास तेजी नहीं होने की वजह से सुजलॉन में भी थोड़ा सा इसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा क्योंकि इस समय एनर्जी सेक्टर इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सुजलॉन की बात करें तो 11.10 पर स्टॉक की शुरुआत हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। फ्राइडे की क्लोजिंग 11 की ही थी, इंट्राडे में 11 का लो भी बना यानी स्टॉक थोड़े समय के लिए नीचे गया लेकिन जो हाई है वो 11.40 का है। अभी इस समय स्टॉक देख सकते हो 3 बजे के आसपास का टाइम है 11.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 1.82% की शानदार तेजी है। अब आप देख सकते हो तब तो प्रॉफिट बुकिंग भी हावी है। अगर प्रॉफिट बुकिंग हावी नहीं होती तो ये स्टॉक इस समय आपको 10% ऊपर दिखाई देता, लेकिन बड़े फंड हाउस यहाँ पे इस समय प्रॉफिट बुक करे और वो डील में समझ में भी आएगा। अब आप देख सकते हो 5.90 इसका 52 वीक का लो है, 12.15 52 वीक का हाई है, स्टॉक इस समय 11.30 के आसपास है यानी अपने ऊपरी लेवल के आसपास ही है। जल्दी यहाँ पे एक नई संभावना बनेगी। पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 43% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के रिटर्न की बात करें 212% का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 1 ईयर के हिसाब से भी स्टॉक ने 23% की तेजी बताई है। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो 32% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, यानी जिसने 3 महीने पहले निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है और 1 मंथ के रिटर्न भी 30% है यानी पिछले 1 महीने में स्टॉक लगातार दौड़ा है। 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की तेजी है। ओवरऑल आप देखें तो पिछले 5 साल से कहीं पर भी कोई निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, यानी लोगों का जो नुकसान था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है उन्होंने एक नया इतिहास रचा है, यानी सुजलॉन एनर्जी इंडिया की पहली विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी बन गई है जो पूरी दुनिया के अंदर 20 गीगावाट की कैपेसिटी पाने में कामयाबी हासिल की है। यानी उसकी 20 गीगावाट की कैपेसिटी इन्होंने पा ली है और ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी है, इसने एक बड़ा इतिहास रचा है। तो यहाँ पे देखते हो तुलसी तांती ने जो सपना देखा था वो अब जाके पूरा हुआ, पूरे विश्व के अंदर एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के 17 देशों में कंपनी का कामकाज है। तो सुजलॉन ने करीब 12,647 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके करीब 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है 17 देशों में। तो यहाँ पे सुजलॉन की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 20 गीगावाट, इसके माध्यम से इंडिया के 30 मिलियन इंडियन होम्स के अंदर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सुजलॉन का जो योगदान है उसके माध्यम से देखें तो 51.35 मिलियन टन्स जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो वातावरण में पोल्यूशन होता है उसको रोका गया है, यानी एक बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए और इस प्रकृति के लिए सुजलॉन का। सबसे जो बड़ी बात है कि इंडिया की जो टोटल इस समय रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 168.96 गीगावाट की, ये 28 फरवरी 2023 के आंकड़े, और इसमें देख सकते हो कि 82 गीगावाट के अभी फिलहाल जो प्रोजेक्ट है जो अंडर इम्प्लीमेंशन है और आने वाले समय ये पूरे होंगे। इसके अलावा 41 गीगावाट के टेंडर की प्रक्रिया से गुजर रहे,
अब आप इसमें देख सकते हो कि 64.38 गीगावाट सोलर एनर्जी को पाया गया है। इसके अलावा 51.79 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और 42.02 गीगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो ये तो आप समझते हो कि इंडिया की जो टोटल कैपेसिटी है वो 42 गीगावाट की विंड एनर्जी की, उसमें से आप देखो 50% यानी 20% का कैपेसिटी तो अकेले सुजलॉन ने पा लिया, यानी आप समझ सकते हो सुजलॉन की ताकत को। और 10.77 गीगावाट बायो पावर है, तो आप इसकी अहमियत को समझ सकते हो कि सुजलॉन ने क्या अचीव किया है। अब इसे आप मौके पे देखें तो गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुजलॉन के, उनका कहना है कि जो हमने 20 गीगावाट की एक कैपेसिटी को पाके जो माइलस्टोन अचीवमेंट किया, इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की जो पॉलिसी थी उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, जिसकी वजह से जो सरकार ने इस पॉलिसी में बदलाव किया उसकी वजह से हमारा कारोबार बढ़ा और आप देख सकते हो कि इसकी वजह से हम उस एक कीर्तिमान को स्थापित कर पाए। साथ में उनका कहना है कि 3 मेगावाट सीरीज जो हमने लॉन्च की है, ये हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा मील का पत्थर साबित हो रही है और इसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्लोबल इमेज हमारी और सुधर रही है। अब इस मौके पे जेपी चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन एनर्जी, उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जिस तरह से अपने बिजनेस को लेके आगे बढ़ रहे, जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो एक प्रोफेशनल की टीम है, उन सब के दम पे हमने ये कामयाबी हासिल की है और ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अचीवमेंट है जो हम 20 गीगावाट कैपेसिटी को पा चुके हैं। और आप देख सकते जो तुलसी दांती जी का सपना था वो अब जाके पूरा हुआ है और आने वाले समय में हम और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। जो ग्रीन एनर्जी का जो हमारा सपना है वो आने वाले समय बिल्कुल पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन ने एक नया इतिहास रचा है और अब ये स्टॉक यहाँ पे नहीं रुक सकता है, आने वाले समय में आपको ये तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग वैसे स्टॉक में थोड़ी सी इस समय दबाव आपको जरूर दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है अमेरिका की तरफ से। बैंक ऑफ अमेरिका ने जो प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले समय इंडिया ग्रीन एनर्जी सेक्टर में $800 बिलियन का निवेश ला सकता है, यानी इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है कि विश्व के काफ़ी देश है जो इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दम पे इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो जो सरकार का जो सपना है कि नेट जीरो कार्बन पे जाना है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हो बैंक ऑफ अमेरिका के देवाशीष पुरोहित का कहना है कि बैंक का जो अंदाज़ा है कि करीब $250 बिलियन का निवेश रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए आ सकता है। इसके अलावा $250 मिलियन का जो निवेश है वो देख सकते हो कि बैटरीज के लिए आ सकता है और करीब $300 बिलियन का जो निवेश है वो टोटल यहाँ पे देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन हाइड्रोजन और इक्विपमेंट के लिए आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप और टाटा इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से निवेश कर रहे हैं और विश्व के काफ़ी देश है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इंडिया अपना सपना पूरा कर सकता है। यानी आने वाले समय जो सरकार का सपना है कि नेट जीरो कार्बन पर जाना है 2070 तक, उससे पहले ही हो सकता है कि ये सपना पूरा सच हो जाए। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है अमेरिका से और ये इशारा करिए कि अमेरिका इस समय जो देख रहा है कि इंडिया विश्व को लीड कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन से और ये मिशन जो है इंडिया को बहुत ऊपर लेके जाएगा, तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है। अब जैसे कि इस बार आप देख सकते हो कि जो G20 समिट है वो भी इंडिया में हो रहा है, उसका फ़ायदा इंडिया उठाएगा। इंडिया ने ऑलरेडी पहले कह दिया कि ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे, ऐसे में बहुत सारा निवेश आने की संभावना बन रही है। अब हम चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। आप देख सकते हो सुबह 9:16 पर 11.20 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की बिकवाली हुई, फिर उसी समय 9:16 पर 11.25 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की खरीदारी हुई, उसके बाद 9:19 पर 11.25 की प्राइस से 31,95,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई, उसके बाद 9:25 पर 11.30 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, उसके बाद 10:05 पर 11.15 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई, उसके बाद 10:33 पर 11.25 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई, उसके बाद 10:45 पर 11.30 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, लेकिन उसके बाद 12:01 पर 11.35 की प्राइस से 38 लाख शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ी सी फिर से नीचे आई, फिर 12:27 पर 11.20 की प्राइस से 59 लाख शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, और उसके बाद 1:49 पर 11.35 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई, उसके बाद 2:12 पर 11.30 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि खरीदारी के सामने बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग भी जारी है और इसी वजह से
इतनी तेज़ी बन नहीं पा रही है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये बहुत बड़ी है और इस न्यूज़ के बाद कह सकते हैं कि सुजलॉन यहाँ पे रुकेगा नहीं। ऐसे में आँख बंद करके इसमें आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है और ये स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर साबित हो सकता है, आराम से 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।